गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये है हमारी एनिवर्सरी की सुबह। एंड हम लोग की सुबह की शुरुआत हुई है यहाँ पर बहुत सारे मंकीज से, छोटे बहुत क्यूट मंकीज है, बहुत वेल बिहेव्ड भी हैं। ये ना यू मंकीज पानी पी रहे हैं यार। पेट भर करके ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हमने डिसाइड किया है, एक बहुत ही छोटी सी माउंटेन हिल है यहाँ पर, नॉट माउंटेन बट हिल, वहाँ पे जाएंगे हम, बट थोड़ा सा रेडी होके। सो अंशु, हैप्पी फोर्थ एनिवर्सरी। सेम टू यू। आपको कैसा लग रहा है 4 साल मेरे साथ बिता करके? वो लंबी कहानी, वो तो जिसकी शादी होती है वो समझता है। 4 साल जैसे हमें तो बड़ा मजा आ रहा था, मतलब ये तो लाइफ का हमारा गोल था, शादी करना और इनके साथ रहना। So we are ready after breakfast, और बहुत ही मशक्कत के बाद इसको एक बैंड पहनाया है। हाँ, मैं बाहर हूँ। यहाँ पर एक पास में बहुत ही अच्छी जगह है नोन एज पातालकोट वैली, हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी। और वैसे तो रिजॉर्ट ही बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप यहाँ पर अगर इनफ घूम लिया है तो आप बाहर भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं आजू बाजू की चीज़ें। सो नायू पहन लो अपना, ये पहन लो। तो हम लोग सब रेडी हो गए हैं और अनाया बहुत अच्छे से रेडी हुई है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि उसने बैंड भी लगा लिया अपना, खुद से लगाया उसने देख करके। पातालकोट वैली विच इज अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस। नायू अब गिर जाओ बेटा। विच इज अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस रिजॉर्ट एंड बहुत अच्छा व्यू है ऊपर जाकर के, हिल से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। सो लेट्स सी। So we have reached here at Patalkot Valley and the view is amazing. So agar aap log barish mein aayenge yahan par to ye ek alag hi kisam ka experience hoga, kyunki barish mein aisi cheezon aisi jagahon ke views bahut zyada acche hote hain. So this is the place. Abhi hum us pe upar chadhenge udhar aur view lenge, aapko bhi dikhate hain, idhar aaiye. पाताल तो हम सब जानते हैं, पाताल किसको कहा जाता है, मतलब जहन्नुम को, बहुत ही डीप, समथिंग वेरी डीप इनसाइड। तो यही बिल्कुल ही इसी तरह की ये वैली है। एंड ऑब्वियसली जब बहुत ही क्लाउडी होता होगा मानसून में तो बहुत अच्छा व्यू आता होगा। सो अमेजिंग। हाँ, इट वीडियो में आपको इतना समझ नहीं आएगा बट एब्सोल्युटली पाताल है, बट इट लुक्स हेवनली। Thank you.
आई हूँ। डक्स डक्स से करिए, फिर से करो। अभी हम आ गए हैं घूमघाम के बाहर से अंदर, और मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है अंशु के लिए, तो अब बारी आती है उसकी, तो जल्दी से रेडी होते हैं। मीनवाइल अंशु इज स्लीपिंग, उनको उठाते हैं और चलते हैं बाहर। सो वी आर रेडी एंड लीविंग नाउ। What a view! Kolkata goes to UV Sharma. So this was the anniversary surprise for him, and बहुत ही untouched, बोलते हैं ना, untouched hill है, और view भी बहुत अच्छा है। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड अरेंजमेंट बाई दी होटल पीपल, और बहुत ही हम्बल है सब लोग यहाँ पर। क्या हुआ? और हमें एंड द फुल क्रेडिट गोज टू हाँ। सो मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था इन लोग की कि ये लोग इसे अरेंज करते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सरप्राइज दिया जाए। सो आई प्लान दिस एंड इट वॉज इंडीड अ ब्यूटिफुल सरप्राइज। स्टार्टिंग में जैसा लग रहा था ये भैया और कुछ प्लान है,
इनको लगा कि मैं धक्का मारने के लिए जा रही हूँ, जो कि हो सकता था कि बिकॉज हमारा तभी झगड़ा भी हुआ था। शाम के साथ बहुत ही म्यूजिकल नाइट, लवली म्यूजिकल नाइट करी है एंड एनिवर्सरी इवनिंग और भी स्पेशल बन गई। एनिवर्सरी इवनिंग का कोई फायदा नहीं था, कपल्स का कुछ नहीं था, मैं और अनाया ही डांस कर रहे थे। नहीं एक मिनट सो और ये यहाँ पे वीडियो निकाल रहे थे हमारे, तो ऐसा कुछ एनिवर्सरी का कुछ रहता नहीं है बच्चे हो जाने के बाद। सो अ ब्यूटिफुल क्लोजर टू आवर एनिवर्सरी, फोर्थ एनिवर्सरी। I'm gonna miss you.